वेल, जिस वीडियो पे आज हम बात करेंगे वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम आज मैट्रिक्स के टाइमलाइन को एक्सप्लेन करेंगे एंड ये जानेंगे कि द मैट्रिक्स आखिर स्टैब्लिश कैसे हुआ, कैसे नियो को उसकी पावर्स मिली एंड कैसे लास्ट पार्ट में आते आते ट्रिनिटी एंड नियो की डेथ हो गई एंड उसके बाद उनका क्या हुआ, ये सब हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। सो बिना टाइम गवाए चलो इंट्रो रोल आउट करते हैं। तो मैट्रिक्स के टाइमलाइन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको मैट्रिक्स के कुछ बातें या कुछ या यूं बोल लो मैट्रिक्स के बारे में कुछ डिटेल शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली इस मूवी के तीन पार्ट्स आए थे, द मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स रीलोडेड एंड द मैट्रिक्स रिवोल्यूशंस। एंड इसके बाद एक एनिमेटेड मूवी आई थी जिसका नाम द एनिमेट्रिक्स था एंड इसी से मैट्रिक्स का टाइमलाइन एक्सप्लेन किया गया कि कैसे ह्यूमंस एंड मशीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ एंड कैसे ये सब चीजें एस्टैब्लिश हुई। तो चलो शुरू करते हैं द मैट्रिक्स के टाइमलाइन को एक्सप्लेन करना। वैसे मूवी में जंप करने से पहले मैं आपको एनिमेट्रिक्स की स्टोरी लाइन समझा देता हूँ, क्योंकि बेसिकली इससे आपको समझने में ज़्यादा इजी होगा। सो एनिमेट्रिक्स बेसिकली एक एनिमेटेड मूवी है एंड ये मूवी 21st सेंचुरी में टेक प्लेस करती है, जहाँ जो ह्यूमन्स थे वो बिल्कुल ही नाकारे हो गए थे, मतलब वो बोलते हैं ना किसी काम के नहीं, ह्यूमन्स करप्ट हो गए थे, मतलब सेल्फिश बन गए थे एंड एट ए टाइम वहाँ पे लाइफ काफ़ी ज्यादा डिफिकल्ट हो गई थी जीने के लिए। तो ह्यूमंस ने काफी ज्यादा दिमाग लगा के एक एआई बना, जिसे बेसिकली एक एंड्रॉइड रोबोट भी हम कह सकते हैं एंड इस एआई का काम था ह्यूमंस को सर्व करना। सर्व करना मींस उनकी गुलामी करना। सब कुछ बिल्कुल ही सही चल रहा था, ह्यूमंस अपना काम कर रहे थे एंड मशीन्स अपना, बट ऑल ऑफ द सडन ऑटोमेटिकली थिंग्स चेंज होने लगी एंड धीरे धीरे ह्यूमंस एंड मशीन में थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होने लगे। बट ये मेजर कॉन्फ्लिक्ट तब बना जब ईयर 2090 में एक मशीन ने अपने ही ओनर को मार दिया एंड हुआ कुछ यूं था कि एक मशीन था जिसका नाम B166ER होता है एंड उसे अपने मालिक एंड उसके पेट को मारना पड़ता है एंड जब उसे ट्रायल पे लेके जाया जाता है तब वो कोर्ट के सामने ये कहता है कि उसने ये चीज सेल्फ डिफेंस में की, क्योंकि उसका जो ओनर था वो उसे डिसअसेंबल कर रहा था। अब कोर्ट ने ये कहा कि चलो भाई तुमने एक ह्यूमन को मार के हमारी प्रजाति की तो लंका लगा दी, लेकिन अब हम तुम्हारी भी नहीं छोड़ेंगे। तो बेसिकली कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया कि B166ER को डिस्ट्रॉय करके कहीं फेंक दिया जाए एंड ये इम्पैक्ट बाकी मशीन्स पे पड़ा एंड वो प्रोटेस्ट पे आ गए, जिसके बाद गवर्नमेंट ने अपने मिलिट्री फोर्सेस को यूटिलाइज किया एंड सारी मशीन्स को डिस्ट्रॉय करने लगे। ये कुछ कुछ टर्मिनेटर वाला फील नहीं आ रहा है, हटाओ। वेल, उसमें से जो कुछ मशीन्स थी वो बच गई थी एंड उन्होंने अपना एक टेरिटरी स्टैब्लिश किया जिसका नाम उन्होंने 01 दिया। जब मशीन्स का नेशन बन गया, स्टैब्लिश हो गया, तो मशीन ने अपने आप को डेवलप करने का सोचा एंड इसी डेवलपमेंट में वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गए, बिकॉज एक तो थे वो AI, उनके पास पहले से ही जो ज्ञान का भंडार था वो कूट कूट के भरा था, तो उन्हें अपने आप को डेवलप करने का और भी ज़्यादा अच्छा एडवांसमेंट तरीका मिला एंड वो अपने आप को और भी ज़्यादा तेज़ी से डेवलप करने लगे एंड तब मशीन ने अपने दो एम्बेसडर को भेजा UN के पास एंड उनसे रिक्वेस्ट की कि 0 और 1 को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाया जाए एंड मशीन एंड ह्यूमंस का एक न्यू रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया जाए। लेकिन फिर UN ने ये कहा, अरे ऐसे कैसे आपको इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा दे दे, वो तो नहीं हो पाएगा, आप भूल ही जाओ। उल्टा UN ने 01 जो कि मशीन्स की टेरिटरी थी उस पर न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला करा दिया एंड उनका जो नेशन था वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया एंड मशीन्स ने कहा कि बहुत हो गई इनकी सस्ती मस्ती, अब हम इनकी लंका लगाएंगे एंड मशीन्स ने ह्यूमंस के खिलाफ वॉर का ऐलान कर दिया एंड धीरे धीरे मैनकाइंड जो थी सरेंडर करने लगी मशीन्स के सामने एंड बेसिकली ये इसीलिए हुआ क्योंकि वो तो मशीन्स थे, उन्हें ना तो भूख लगती थी ना तो प्यास लगती थी, 24 घंटे लड़ सकते थे, लेकिन आखिर है तो हम इंसान ही, हमें भूख लगती है, हमें प्यास लगती है। सो इसी वजह से ह्यूमंस
के पास जो थी वो सोर्सेस कम पड़ने लगे एंड धीरे धीरे करके वो सरेंडर करने लगे एंड धीरे धीरे मशीन्स ने हर एक नेशन पे कब्जा करना शुरू कर दिया। अब जब यूएन हार रहा था तो उसने ये डिसाइड किया कि क्यों ना चलो मेन पावर सोर्स जो मशीन का है उसे ही ब्लॉक कर दिया जाए, यानी मतलब सन जो होता है वो बेसिकली मेन नेचुरल सोर्स होता है एनर्जी का। यूएन ने ये डिसाइड किया कि जो सन होता है उसी की रेस को ब्लॉक कर देते हैं अर्थ पे आने के लिए, तो ना उसकी रेज आएंगी ना मशीन को उनका पावर सोर्स मिलेगा और ना ही वो ये बैटल जीत पाएंगी। एंड यूएन ने अपने एयरशिप भेज के पूरे अर्थ पे एक नैनाइट्स के पार्टिकल क्लाउड बना दिए जिसके कारण जो सन की रेस थी वो अर्थ को टच ही नहीं कर पा रही थी। लेकिन मशीन्स को कम इंसानों को ये चीज़ का ज़्यादा नुकसान होने लगा क्योंकि जो एनिमल्स थे वो मर रहे थे एंड जो इंसान थे उन्हें भी बेसिकली सनलाइट की ज़रूरत थी। हालांकि हम ये देखते हैं कि मशीन्स अपने आप को इस चीज़ में भी इवॉल्व करने लगी है ताकि वो उस हालत में भी अपने आप को रीजनरेट करके अपने आप को चला सके। अब जब इंसानों ने ये देखा कि उनका रहना अर्थ पे कितना मुश्किल हो गया है तो वो अर्थ के अंदर जहां अर्थ का क्रस्ट होता है वहां कुछ मैन पावर से एक सिटी को एस्टैब्लिश करते हैं जिसका नाम उन्होंने ज़ायोन रखा। एंड जो बचे कुछ इंसान थे जो ज़ायोन पे नहीं जाना चाहते हैं वो वहीं पे रुक के मशीन्स से समझौता करने का ट्राई करते हैं एंड मशीन्स इंसानों को कैप्चर कर लेते हैं। हालांकि अब मशीन्स के पास भी कोई अल्टरनेट सोर्स नहीं था जिससे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सके एंड मशीन्स ने एक तरीका निकाला कि क्यों ना इंसान को ही एज अ बैटरी की तरह यूज़ किया जाए। अब वो कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ह्यूमंस जब चलते हैं फिरते हैं सोचते हैं समझते हैं या फिर कुछ फील करते हैं तब ह्यूमंस के बॉडी में थर्मल वेव जनरेट होते हैं जिन्हें मशीन कन्वर्ट करके काइनेटिक एनर्जी में बदलते हैं। बट मशीन ने जब ह्यूमंस को कैप्चर किया था तब उन्होंने ह्यूमंस को एक क्रायोपॉड में रखा था बट वो क्रायोपॉड में मशीन्स को कुछ लिमिटेड टाइम तक ही एनर्जी मिल पाई। वो बेसिकली इसीलिए क्योंकि उस टाइम ह्यूमन एक क्रायोपॉड में बंद था जिसके कारण वो तो ना मूव कर सकता था ना कुछ फील कर सकता था ना ही कुछ सोच सकता था ना ही कुछ समझ सकता था जिसके कारण जो ह्यूमंस की बॉडी थी उसमें ना तो कोई थर्मल वेव जनरेट होते थे ना ही उनसे कोई काइनेटिक एनर्जी बन पाती थी। एंड यहाँ पे मशीन्स ने ये कहा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो एनर्जी के नाम पे कुछ भी नहीं मिलेगा। एंड फिर मशीन्स ने एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम उन्होंने आर्किटेक्ट दिया एंड मशीन ने बेसिकली आर्किटेक्ट को ये टास्क दिया कि कुछ भी करो लेकिन इनकी बॉडी में जो बायो इलेक्ट्रिकल वेव्स है वो चालू रखो। एंड आर्किटेक्ट ने एक वर्चुअल रियलिटी बनाया जिसे आर्किटेक्ट ने द मैट्रिक्स का नाम दिया। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैट्रिक्स के अंदर आर्किटेक्ट ने सारे ह्यूमंस की पास्ट आइडेंटिटी को मिटा के एक न्यू आइडेंटिटी दे दी थी जिससे सारे ह्यूमंस को ये फील हो कि सब कुछ नॉर्मल है एंड वो अपनी नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर रहे हैं जिससे ह्यूमंस की जो बायो इलेक्ट्रिकल वेव्स है वो बंद ना हो एंड वैसे ही चलती रहे। यही मैट्रिक्स प्रोग्राम दी मैट्रिक्स का फर्स्ट प्रोटोटाइप बना जिसमें इंसानों के पास सिर्फ खुशी ही खुशी थी। कुछ इंसानों को ये चीज समझ नहीं आई कि इतनी ज्यादा खुशी आखिर उन्हें मिल कैसे गई एंड उन्होंने द मैट्रिक्स में एक लूप होल देखा जिसके कारण वो अपने क्रायोपॉड से एस्केप हो पाए एंड उन्हें एस्केप होने के बाद पता चला मशीन्स ह्यूमंस को एज अ बैटरी के तौर पे इस्तेमाल कर रही। लेकिन भागने के कारण मैट्रिक्स का जो फर्स्ट प्रोटोटाइप प्रोग्राम होता है वो क्रैश हो जाता है एंड आर्किटेक्ट को ये लगता है कि चलो इंसान को खुशी नहीं चाहिए तो उन्हें दुख चाहिए तो चलो उसने और भी ज्यादा दुख देते हैं। जब आर्किटेक्ट ने ये बिल्ड किया तो उसमें भी ऐसा ही हुआ, कुछ इंसान उसमें से भी एस्केप हो गए एंड बेसिकली सेकेंड प्रोग्राम भी जो होता है वो क्रैश हो जाता है। अब आर्किटेक्ट को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इंसानों को चाहिए क्या, ना उन्हें खुशी चाहिए ना उन्हें दुख चाहिए एंड आर्किटेक्ट ने एक न्यू प्रोग्राम बनाया जिसका नाम उसने द ओरैकल दिया एंड ओरैकल का टास्क बेसिकली ये था कि उसे ये ढूंढना था कि आखिर इंसानों को चाहिए क्या। एंड कुछ टाइम बाद ओरैकल ने आर्किटेक्ट को ये कंक्लूजन दिया कि ह्यूमंस को चॉइस दे दो, मतलब वो क्या चाहते हैं वो उन्हें ही डिसाइड करने दो, उन्हें ही सेलेक्ट करने दो। एंड इसी तरह मैट्रिक्स का जो थर्ड प्रोटोटाइप था वो बना। अब हर प्रोग्राम में बग्स एंड ग्लिचेस होते हैं, वैसे ही बग्स एंड ग्लिचेस मैट्रिक्स में भी थी क्योंकि ह्यूमंस की उम्र 100 साल की अप्रॉक्स होती ही है। सो आर्किटेक्ट ने भी बेसिकली यही सोचा। सो आर्किटेक्ट ने हर 100 साल में मैट्रिक्स को अपडेट करने का फैसला किया एंड उसमें
जो भी बग्स एंड ग्लिचेस होंगे वो हर साल में अपडेट होके फिक्स किया करें। अब आप सभी के मन में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा कि अगर 100 साल में आर्किटेक्ट बग्स एंड ग्लिचेस को फिक्स करता था तो क्या ह्यूमंस मरते नहीं थे, एंड मरने के साथ साथ उनकी तादाद जो थी, जो उनका पॉपुलेशन था, वो क्या कम नहीं होता था? नहीं, क्रायोपॉड में रहने की वजह से उनकी एजिंग जो थी वो काफ़ी स्लो होती थी, एंड इवेंचुअली मशीन्स ने ह्यूमंस के डीएनए से और भी कई इंसानों को बनाने का तरीका ढूंढ लिया था जो आजकल टेस्ट ट्यूब के नाम से कॉमन है। बेसिकली मशीन्स ने पूरी एक फार्म बना दी थी इंसानों की ताकि वो एक्सट्रैक्ट कर सके वो एनर्जी को। एंड अब चलते हैं द मैट्रिक्स के टाइमलाइन पे एंड देखते हैं ये तीनों मूवीज कैसे इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। सो जैसा कि मैंने आपको आर्किटेक्ट के बारे में बताया, आर्किटेक्ट ने मैट्रिक्स वर्ल्ड बनाया जिससे ह्यूमंस का ब्रेन बायो इलेक्ट्रिकल वेव जनरेट करते रहे, एंड यहीं से द मैट्रिक्स जो कि 1999 में आई थी उसकी शुरुआत होती है, जिसमें नियो नाम के लड़के को ये लग रहा होता है कि वो एक फेक वर्ल्ड में जी रहा है, एंड तभी उसकी मुलाकात ट्रिनिटी से होती है, एंड ट्रिनिटी उसे ये बताती है कि जो वो सोचता है समझता है वो एकदम सही है, एंड वो जिस इंसान को खोज रहा है वो इंसान उसे कई सालों से खोज रहा है। बेसिकली ट्रिनिटी यहाँ मॉर्बियस को इंडिकेट करती है बिकॉज मॉर्बियस को यह बिलीव था कि नियो ही द वन है, एंड द वन के बारे में मैं आपको बता देता हूं, मैट्रिक्स एक वर्चुअल वर्ल्ड है, मींस एक प्रोग्राम है, एंड जाहिर सी बात है अगर एक प्रोग्राम है तो उसमें बग्स होना लाजमी बात है। सो आर्किटेक्ट ने वो सारे बग्स को पूरे मैट्रिक्स के इंसानों को ना देके सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान को दिया जिससे द वन नाम दिया गया। आसान भाषा में अगर कहा जाए तो सपोज एक प्रोग्राम लिखा गया है जो बुलेट के ऊपर बेस्ड है कि बुलेट लगने से वो इंसान की मौत हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है अगर जिसके पास बग्स होगा वो प्रोग्राम उस पे इफेक्ट करेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है उसमें सुपर ह्यूमन एबिलिटी आ जाएगा। हालांकि आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो द वन सुपर ह्यूमन एबिलिटी वाला एक इंसान है जिसके पास सुपरमैन जैसी पावर्स है। तो इस मैट्रिक्स वर्ल्ड में द वन नियो रहता है। अब देखो सीन में कुछ यूं होता है, नियो को मॉर्बियस एंड ट्रिनिटी समझाते हैं कि वही द वन है एंड वही एक होप है इस दुनिया की, एंड एंड तक आते आते नियो को अपने पावर्स का पता चलता है एंड इसी बीच उसे ट्रिनिटी से प्यार हो जाता है। अब इस पूरे मूवी में विलेन के नाम का सिर्फ एक ही चम्मच होता है और वो होता है स्मिथ। अब स्मिथ की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली एक प्रोग्राम रहता है जिसे आर्किटेक्ट ने बनाया होता है मैट्रिक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। बेसिकली समझ लो एक सिक्योरिटी गार्ड होता है मैट्रिक्स का, एंड यही वो बंदा रहता है जो बार बार नियो का रास्ता रोकता है। सो बेसिकली होता कुछ यूं है कि नियो को ट्रिनिटी एंड मॉर्बियस उसके क्रायोपॉड से जगाते हैं एंड उसे रियल वर्ल्ड में लेके आते हैं ताकि वो नियो को उसके पावर्स का यूटिलाइजेशन एंड रियलाइजेशन करवा सके, लेकिन स्मिथ नाम का चम्मच बार बार नियो का रास्ता रोकता है, एंड मूवी की एंड तक आते आते नियो को जब उसकी पावर्स का रियलाइजेशन होता है वो स्मिथ के प्रोग्राम को ही डिलीट कर देता है, बेसिकली स्मिथ को मार देता है। अब स्मिथ को मारने के बाद नियो को ये रियलाइज होता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है, एंड यहीं पे द मैट्रिक्स रीलोडेड की शुरुआत होती है जहां नियो अपने मकसद की तलाश में होता है, एंड नियो को एक ड्रीम बार बार आता है कि ट्रिनिटी को एक एजेंट मारता है एंड वो मर जाती है। अब इन सब के बीच नियो को ये पता चलता है कि उसका जो असली मकसद है वो है आर्किटेक्ट से मिलना, एंड आर्किटेक्ट से मिलने के बाद ही उसकी जो जर्नी होगी वो खत्म होगी, एंड इसी बीच एंट्री होती है एजेंट स्मिथ की। अब जानता हूं आप मुझसे यही क्वेश्चन करोगे कि एजेंट स्मिथ को तो नियो ने मार दिया था, फिर एजेंट स्मिथ सेकेंड पार्ट में क्या कर रहा है? सो देखो जब फर्स्ट पार्ट में एजेंट स्मिथ को नियो ने मारा था तो कुछ बग्स एंड ग्लिचेस जो कि नियो की थी वो एजेंट स्मिथ के अंदर आ गई। आसान भाषा में एजेंट स्मिथ के पास नियो की कुछ पावर्स आ गई, एंड एजेंट स्मिथ धीरे धीरे पूरे मैट्रिक्स को इन्फेक्ट करता है। मीनवाइल जब नियो आर्किटेक्ट के पास पहुंचता है तब आर्किटेक्ट उसे ये बताता है कि तुमसे पहले मैट्रिक्स के 5 वर्जन क्रिएट हो चुके हैं एंड मैंने ही इस मैट्रिक्स को बनाया है, एंड आर्किटेक्ट नियो को 2 चॉइस देते हैं कि जितने भी बग्स एंड ग्लिचेस नियो के अंदर है वो मशीन को दे दे एंड मशीन उसे अपडेट करके एक न्यू मैट्रिक्स का वर्जन बना ले, एंड बदले में नियो कुछ चुनिंदा लोगों को बचा सकता है जो कि ज़ायोन सिटी में थे क्योंकि मशीन आके ज़ायोन सिटी पे अटैक करने वाले थे, एंड सेकंड चॉइस ये थी कि नियो यहां से चले जाए एंड ट्रिनिटी को बचाए क्योंकि एजेंट ट्रिनिटी को मारने वाले थे। अब नियो फर्स्ट चॉइस ना लेके सेकंड लेता है एंड ट्रिनिटी को बचाता है,
एंड यहीं पे मैट्रिक्स रीलोडेड का एंड हो जाता है। होपफुली आपको यहाँ तक मैट्रिक्स का जो टाइमलाइन है वो समझ आ गया होगा। अब इसी के साथ जो मैट्रिक्स का थर्ड पार्ट है वो आया था, जिसका नाम द मैट्रिक्स रेवोल्यूशंस था। एंड अब देखो होता ये है कि सेकेंड पार्ट में नियो ने ट्रिनिटी को बचाने का फैसला किया, जिसके कारण मशीन्स ने ज़ायन पे अटैक कर दिया एंड सारे ह्यूमंस को मारने की कोशिश करने लगे। लेकिन यहाँ नियो को ये पता चलता है कि स्मिथ को अपने आप को मैट्रिक्स प्रोग्राम से डीअटैच करने का तरीका मिल चुका है एंड धीरे धीरे वो मैट्रिक्स प्रोग्राम को करप्ट कर रहा है। एंड इसी के साथ नियो ज़ायन पे ना रुकने का फैसला करके मशीन के साथ समझौता करने जाता है अर्थ के ऊपर। बट इन द मीनवाइल हम ये भी देखते हैं कि नियो की कुछ पावर्स बेसिकली रियल वर्ल्ड में भी काम कर रही हैं। इसका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मुझे इंटरनेट पे मिला नहीं, बट मेरे पास जो थ्योरी है मैं वो आपको बता देता हूँ। हो सकता है मैट्रिक्स प्रोग्राम के अंदर रहते रहते नियो के पास जो बग्स एंड ग्लिचेस थे वो किसी तरह ट्रांसमिट होके नियो के इंटरनल ब्रेन में अडैप्ट हो गए हो एंड मशीन इसी वजह से नियो से इंटरलिंक्ड हो गई हो। सो ये मेरी थ्योरी है। अब आपके पास कौन कौन सी थ्योरी है ये मुझे कमेंट में बताओ। अब जब नियो मशीन के पास जाता है तब नियो मशीन को ये बताता है कि स्मिथ मैट्रिक्स को अंदर से करप्ट कर रहा है एंड स्मिथ को रोकने में नियो उनकी मदद करेगा, लेकिन बदले में मशीन्स को ज़ायन पे अटैक रोकना होगा एंड मशीन इस चीज़ को मान लेती है एंड नियो वापस से मशीन के थ्रू मैट्रिक्स के अंदर जाता है, जहां नियो की फाइट स्मिथ से होती है। एंड जब स्मिथ नियो को कैप्चर करता है तब वो वापस मैट्रिक्स से जुड़ जाता है, जिसके कारण आर्किटेक्ट स्मिथ को बर्बाद कर देता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसी के साथ नियो की भी डेथ हो जाती है। एंड जब नियो एंड ट्रिनिटी अर्थ पे आ रहे थे तो रास्ते में ट्रिनिटी की भी डेथ हो जाती है एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। आई होप आप सभी को ये मैट्रिक्स का टाइमलाइन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार मूवी जाके देख लो, पूरा क्लियर हो जाएगा। एंड अगर इस पे डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो कमेंट में बता दो, ताकि मैं इस पे डिटेल्ड वीडियो ला सकूं। एंड हाँ यार, एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, देखते सब कोई है लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता, तो फटाफट सब्सक्राइब करो ताकि मैं मोटिवेटेड फील करूँ एंड आपके लिए ऐसी ही एक्सप्लेनेशन की वीडियोज लेके आऊँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, शबा खैर।